नजर आ रही है। तिलक वर्मा उनके जो प्लेयर हैं वो रोहित शर्मा की तरह ही खेलते हैं और संजू सैमसन ने नंबर तीन पर आकर विराट कोहली की तरह सेंचुरियां लगाना स्टार्ट कर दी है। तो हमारे देखें हमारे पास कौन सा प्लेयर है, कोई बताएं आप, एक नाम बता दें जो हमारे पास पीछे बैकअप में मौजूद हो। ये वजह है कि वो छोटी तहसीलों से इतने इतने बड़े बड़े जो ब्रेन, इतने इतने क्रिकेट के बड़े बड़े जो सुल्तान है वो पैदा करता है। सर आप देखें इंडिया ने कितने बड़े बड़े प्लेयर्स पैदा किए हैं पिछले 5 साल की अगर बात करते हैं, तो उन्होंने शुभमन गिल को पैदा किया, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह उनके भी आए हुए, मोहम्मद सिराज हो गए, बुमराह को भी 5 से 6 साल हुए हैं। तो इतने बड़े बड़े उन्होंने प्लेयर्स पैदा कर दिए। जो मुझे अभी भी खबर मिली है कि जो हार्दिक पांड्या है वो 115 करोड़ में खरीदा गया है मुंबई टीम ने। अरे 115 करोड़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या इंडिया पिछले कुछ सालों से इतने इतने बड़े लेजेंड प्लेयर्स को पैदा करता आ रहा है, पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं, लाइक हम उस तरह के लेजेंड्स क्यों नहीं पैदा कर पा रहे अभी तक? देखिए इंडिया पिछले कई सालों से नहीं, इंडिया अगर हम लोग मुवाजना करें जब से इंडिया बना है 76 साल से, इंडिया तब से ही जो है वो दुनिया क्रिकेट के सुल्तान में से। हमारे प्लेयर कहाँ से निकालते हैं? फर्शों में से, पैसों में से। इसी वजह से हमारा मुल्क और हमारी टीम ना कहाँ पे है, हनीमून मनाने जाती है बस। ये अपनी बीवी साल ले गई है और बाद में कमरों की दर्द निकाल लेते हैं।